हाय गाइस, मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। चलो मिला था मेरे दोस्त से, उसका नाम है अर्पित। हाँ, अर्पित यादव और मैं हूँ सौरव पटेल। ये अर्पित, ये अभी अभी इडली खत्म करके बैठा है, पूरी इडली खा गया, दो चार इडली मस्त दबा के मजा आया। और ये सानवी, इसकी छोटी बहन, हाय बोलो। ये कपिल शर्मा ही चलता रहता है यहाँ पे यार, वो देख देख के तो बोर ही होता रहता है, पता नहीं क्या है, फिर भी मजा आता है इसको। मजा नहीं, बहुत मजा आता है, हंसने का मजा आता है। देख कितना मजा लोगे भाई, बहुत मजा लेंगे। अब मिलाता हूँ मैं अर्पित के भाई से। ये देखो, ये प्रोटीन के डब्बे खाली कर रहे, नहीं अंडे से खेल रहे हैं। ये रहा, अंडे बॉईल करने को डाल रहा हूँ। अब देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा डोला ये रहा। हमारे भी डोले बढ़ा दो थोड़े थोड़े। खाओ खाओ ये अंडे खाओ। सो गाइस, अभी आज पूरे दिन हम लोग क्या करने वाले कुछ भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग आपको सब कुछ दिखाएंगे। और बाहर कहीं निकलता हूँ तो फिर से शुरू करता हूँ। पता नहीं अंदर से कौन सा राजमाता ये वो का अंदर से हो गया, लाइक इसने बाहुबली को याद कर लिया। ये कहता है इसको वो वाला सीन बहुत पसंद है जिसमें वो गला काटता दिखा रहा है। ये सीन इसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये देखो कितने ध्यान से देख रहा है वो। ये ना जाने कितनी बार दिन में देखता रहता है, बोलता है कि बहुत ही ज्यादा पसंद है, सोचता है किसी का गला ऐसे ही काट दूं। पता नहीं क्या देखता है इसमें। सो गाइस, ये सानवी बोल रही है उसे भी वीडियो में आता है। बोलो सानो क्या। अबे क्या है ना, बहुत छोटी है तो ठीक से बोल नहीं पाती। हाँ बोलती है, लेकिन बहुत ही क्यूट छोटा सा वो बोलता है। सानू यहाँ पर आओ, मेरा नाम क्या है? छोलो भैया। जोर से जोर से। छोलो भैया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? छानू यादव। छानू यादव, सानवी यादव है तुम्हारा नाम? हाँ वैसे इसका नाम सानवी है लेकिन हम लोग सानू बोलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आए हैं रूम में, और ना चाहते हुए भी बेचारे को कपड़े धोने पड़ रहे हैं, और इसने दरवाजा बंद कर लिया। ओए दरवाजा खोल, मैं खोल रहा हूँ, बोलता इसका नहीं बनाना। सो गाइस मैं रेडी होके आ चुका हूँ अपने घर से, और अर्पित हो रहा है अंदर रेडी, कपड़े पहन रहा है, और थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, थोड़ा काम है वो ख़त्म करके, और अर्पित को कुछ लेना है बाहर से, तो हम लोग बाहर जाने वाले थे, लेकिन इस भाई को खाते खाते अभी जोधा अकबर देखने का मन हो गया। तो ये देखो खा रहा है एक तो, और साथ में मेरा खाना ख़त्म हो रहा है, मैं तो खा लिया, पर अभी जोधा अकबर में पता नहीं कौन सा सीन देखना है इसको, लगा रहा है कब से ढूंढ रहा है। आ गया वो सीन। ये देखो नहीं अभी नहीं आया, अभी भी नहीं मिला। बीरबल वाला तो आगे जा, बहुत आगे होता। कहाँ पे है एंडिंग में? मैं बोलूँगा तब, जा जा। सो गाइस अभी अर्पित गया है अपनी मम्मी को छोड़ने फिलहाल, और जैसे ही वो आता है तब हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और अभी थोड़ा मैं पहले जहाँ पर रहता था वहाँ पर रेंट मतलब डिपॉजिट पे किया था, तो डिपॉजिट लेने जाना है, और थोड़ा काम है, फिर एक शॉप में जाके कोई गेमिंग का जो आता है वो जॉयस्टिक वगैरह वो सब लेना है, तो मिलते हैं। ऐसे मेरा अर्पित, हाय गाइस, ये देख रहे हैं सूज बचाने के लिए पानी से पैर ऊपर करके बैठा है, दोनों पैर। सो गाइस अब हम लोग गॉगल्स लेने आए हैं, मतलब मुझे नहीं लेना इसे लेना है, तो पहुँच चुके हैं, लो दिखाता।
सो जैसे कि देर लग रही है, ये देखिए भाई साहब कितने अच्छे दिख रहे हैं। हाँ ये वाला ही गॉगल चूज किया है, देखते अब आगे पता नहीं कहाँ फोटो खिंचाने जाने वाला है। भाई साहब ने वापस चेंज कर लिया वीडियो, जो लेने वाला था वो तो मना कर दिया कि अच्छा नहीं है करके, अब ये दूसरा साफ करके पहन रहा है। बाकी सबका पता नहीं, हम स्मार्ट पे। सो ये वाला चूज किया है लेने का। सो हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं, अब जाते हैं पैसे लेने के लिए। अभी तो ग्लास मतलब चश्मा लेना अचानक से हो गया था, देखते हैं अभी कहाँ पर जा सकते हैं। हाँ सॉरी, पैसे लेने जाना है, उसके बाद फिर सोचते हैं कहाँ पे जाना है, देखते हैं। आ रहे थे रास्ते से और हमको एक बहुत ही अमेजिंग कार दिखी, सोचा कि इसके ऊपर का तो वीडियो बनाना पड़ता है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन ये वाली कार बहुत ही पसंद है हम लोग दोनों को, क्योंकि क्या इसका लुक ही अलग है, फिर अभी जो मतलब जिस हिसाब से ट्रेंड में चल रही है। तो गाइस प्रॉब्लम हो गई, हम लोग जहाँ पर मतलब पैसे लेने आए थे वो भी आंटी है नहीं, तो हम लोग को वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी सोच रहे अभी कहाँ पर जाएं, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है और करने के लिए कुछ है नहीं। हमारा प्लान है हम बीच पे जाएंगे और थोड़ा फोटोशूट करेंगे और रील बनाएंगे। तीथल बीच पे जाते हैं हम लोग, एक्चुअली वलसाड़ में रहते हैं तो यहाँ पे बीच है तीथल करके, वहाँ पर जाने वाले, तो दिखाता हूँ आपको चलते। हमारे प्रिय दोस्त कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। कुछ ऐसा बोलने की बात नहीं है, अब हम तीथल पहुंचने वाले हैं बीच पर, और आज हम आपको वीडियो में हम बताएंगे हमारा बीच बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हम भी बहुत बार जाते हैं, दिन में रात में कितनी बार भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आज इसमें क्या है कि देखो अब कब से व्लॉग बना रहा हूँ मैं ही बोले जा रहा हूँ, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो मैं बोला भाई तू भी तो कुछ बोल ले, ब्लॉग मेरे अकेले का थोड़ी है। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ अभी, ये तो नहीं बोलता पर बोलते हैं, चलो अब देखें आगे क्या होता है। एक तो घर से बिना मुंह धोए निकले हैं हम लोग, मतलब एकदम चिपचिपा लग रहा है फेस, सोचा था एक बार धो ले लेकिन क्या है ना कि फिर निकलते निकलते कुछ याद ही नहीं आया। अभी देखो तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बीच में हमारी एंट्री होती है, वो मतलब हमारी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री हो रही है बीच में, बीच की। यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं क्या मस्ती कर सकते हैं। एक तो क्या हम लोग दो ही जन है, ग्रुप में कोई है नहीं, मतलब किसी के साथ घूमना इतना अच्छा लगता नहीं है, मतलब हाँ है लगता है पर क्या है ना ग्रुप में हम दोनों ही ज़्यादातर घूमते हैं और कोई साथ में होता नहीं है। और आज भी देखो जैसे हम लोग हर बार आते हैं वैसे आज भी अकेले आए हैं। बाल थोड़े बहुत बाल उड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो हवा बहुत चल रही है और ये बीच में हमेशा हवा चलती है, सभी जानते हैं ये तो कॉमन बात है, इसलिए बाल सबके हम दोनों के बिगड़ गए और शक्ल भी बहुत गंदी लग रही है, बट एडजस्ट कर लें। वैसे यहाँ की एक चीज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि यहाँ पे आके हम लोग बैठे रहते हैं ना थोड़ी देर, तो भी हम माइंड फ्रेश हो जाता है। क्या है कि कहीं पे भी मतलब टेंशन वगैरह रहता है ये वो, तो वो सब माइंड पूरा साफ हो जाता है कि हाँ भाई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत बैठने की ऐसे मतलब जगह भी है, जैसे कि मैं खुद अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मतलब अभी बैठा, तो इसमें क्या है कि ऐसे बैठे रहते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बड़ी आ गया साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पूरा खाली पड़ा हुआ है, हम आपको बताते हैं आगे की वीडियो में। पूरा बीच यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, कॉलेज यहाँ पे हमारे बहुत पास में ही है यहाँ से। सो गाइज़ हम लोग यहाँ पर सोचा कि थोड़ी देर रील्स वगैरह बना लेते हैं, तो आपको अगर जो देखना है रील्स तो हम आपको इसमें तो नहीं दिखा सकते, आई एम सॉरी, पर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, मेरा लाइफ ऑफ सवू और इसका है अर्पित यादव, आप उसमें जाके देख सकते हो हमारे रील्स। तो गाइज़
हम लोग यहाँ पर भी मतलब निकल रहे थे, यहाँ से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी झगड़ा हो गया कि लाइक मैं बाइक मैंने कहा कि मैं बाइक चलाता हूँ, तू व्लॉग में अब कुछ बोल, लेकिन ये बोलता है नहीं भाई मेरा फेस ठीक से नहीं आ रहा, तू ही बोल ले। तो पता नहीं इसको इसमें क्या खराबी लग रही है, चलो हाँ मान रहे तो, लेकिन मैंने इसको बोला कि भाई तू चलाएगा किसी को देनी नहीं है, मेरी फेवरेट बाइक है। हाँ देखो ये इसीलिए मेरे को पता था ये मतलब सिर्फ उल्लू बना रहा है मेरे को कि भाई तू बोल ले ये बोल ले वो बोल ले करके। अब पता चला कि इसको एक्चुअली मैं बाइक नहीं देनी, बाकी व्लॉग से लेना देना तो बहुत ही है क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर ये कुछ बोलता भी नहीं, इसमें थोड़ा गुस्से में रहता है, कोई गुस्से में नहीं रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, रहता है, मेरी बात ही मानना, इसकी नहीं मानना। तो गाइस हम लोग बीच की दूसरी साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा फोटोज मतलब एक जो माइंड में आया था क्लिक करना था तो सोचा यहाँ पर आके करवा लेते हैं। अभी गाड़ी पार्क करेंगे तो पार्किंग ना मांगे तो अच्छा है, मतलब देने में बुराई है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरे क्या क्या ही भले बोले, पैसे ना देकर भी पार्क करने में कुछ अलग ही मज़ा है। वैसे गाइस इसमें हम लोग को एक जगह हमें जब चीज़ दिखे हम लोग मतलब होता है ना कि भाई हम लोग भी कूदे, वो कूदने वाला होता है ना एकदम बड़े बड़े मतलब बैक फ्लिप मारने के लिए ये वो, तो यहाँ पर वो वाला पड़ा हुआ है, मतलब हाँ यहाँ पे बच्चों लोग के लिए होता है ये रहा, बहुत ही बड़ा है। सोचा कि हम लोग भी कूद लेते, एकदम बोर हो रहा है, एक तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, चुपचाप कूद भी लेंगे किसी को पता चलने वाला है, लेकिन सोचा अगर कहीं फटफट गया तो खाली फोकट जिसका होगा उसका नुकसान हो जाएगा, वही चीज़ नहीं चाहिए, किसी का नुकसान क्यों करें हम लोग खुद। अभी यहाँ पर हम लोग बीच पे आए एक तो, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनको पानी चाहिए थोड़ा सा बाल में डालने के लिए, और ये देखो मैंने इसको क्या दिखाया, मतलब इतना पानी पड़ा है फिर भी इनको थोड़ा सा पानी चाहिए, ये रहा देखो मुंह भी नहीं दिखा रहा ठीक से, मुंह दिखाएंगे हम, दिखाएंगे टेंशन मत लीजिए, हमारा मुंह भी बहुत अच्छा है, हम दिखाएंगे। सो गाइज वंस अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस, तो ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए स्टार्ट करो, हमारा ब्लॉग कंटिन्यू ही है, पर अभी हम जा रहे हैं घर पे, और अभी हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, बहुत सी फ़ोटो पोज ये सब ख़राब भी आए, कुछ नहीं वापस ट्राई किया कि इसको आता नहीं, इसको सिखाना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग ने मतलब जब फ़ोटो पोस्ट सॉरी क्या हुआ कि बाद में फ़ोटो जब अच्छी वाली क्लिक हो गई उसके बाद थोड़ी सी बुरी वाली फोटो खींच ली और इसको सिर्फ वही बताई, तो इसका मूड खराब हो गया, और फिर बाद में पीछे से बताई, क्यों नहीं खराब होगा क्योंकि यार फोटो चाहिए अच्छी। और जैसे हम जा रहे हैं अब खाएंगे कुछ नाश्ता करेंगे, यहाँ तो सब बंद है, और अब इसको गाड़ी चलाने को चाहिए, वो मुझे देना ही पड़ेगा। हाँ बाकी पार्किंग के पैसे यही देगा मेरे पास, मैं पैसे लेके नहीं घूमता हूँ, ये गलत बात है, देगा यही जो गाड़ी चला रहा है वही देगा, गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो मुँह पे बोल दूंगा मेरी गाड़ी नहीं है। और गाइस अब देखते हैं यहाँ पे, हम आपको और चीज़ बताएंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग की है, बहुत चीज़ें लिखी भी हुई, मैं आपको बताता हूँ वीडियो कंटिन्यू में। जैसा कि कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवत गीता के बारे में कुछ लिखा है, बहुत सारे चीज़ लिखी है, और ये सब ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे बनाई गई है, पर ख़राब भी हो गई है, पर कोई बात नहीं क्या कर सकते, अब लोग ध्यान ही नहीं देते यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी वहाँ से आया मैं वापस, मतलब पैसे देने गया था इसने जैसे बोला, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया, बोला कि तेरी शक्ल अच्छी है इसके लिए जाने देते करके। बहुत अच्छा झूठ बोला इसने, बाकी ये जा रहे हैं वापस देने पैसे, नहीं नहीं वो एक्चुअली पैसे ही देने जा रहा है, ये बस पागल बनाते पागल बना, बोला कि थोड़ी देर हुई है तो इसके लिए अभी चलेगा तुम लोग चले जाओ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं दूसरा, ऐसा है तो ठीक है। तो अभी बोर हो रहे थे तो सोचा कि चलो कुछ पी लेते, तो काजू शेक मंगवाने वाले, दो काजू शेक जिसमें एक में काजू नहीं होना चाहिए, सिर्फ शेक, मुझे क्या काजू शेक में काजू नहीं पसंद, तो मैं सिर्फ शेक ही लेता हूँ। तो काजू और आते हैं ना, मतलब बोर तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, पता नहीं आजकल क्या ही है, थोड़ा सा फ्री होते तो बोर होना शुरू हो जाता है। ये देखो ये इसको काजू से कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे पसंद है, मुझे इतना नहीं पसंद, मैं इसके लिए सिर्फ सेक ही पीता हूँ, मेरे को क्या है ना ये सब के अंदर
कुछ आता है खाने में तो मज़ा नहीं आता। तो काजू शेक पी के फ्री हो चुके हैं, तो अब निकलते हैं घर पे और देखते हैं घर पे जाके क्या कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, ये गेट बंद किया और ये रहा अर्पित, ये मैं और अर्पित की मम्मी और वो सब साड़ियाँ लेने गए थे, वही सब रिवील पड़ी है बाहर, दिखाता हूँ। चलो ये रही सब साड़ी वगैरह। और ये भाई साहब खाते ही रहते हैं हमेशा, पता नहीं इतना कितना गेन करेंगे। और ये चालू है ये साड़ी। वैसे ना आपको एक जन से मिलाना तो रह गया, ये है अर्पित की मम्मी। हेलो कर दो। हेलो। हाँ ये है अर्पित की मम्मी। हाँ पहले नहीं बता सका, थोड़ा लेट दिखाया लेकिन चलता है। तो गाइस हम लोग वापस निकले हैं अभी पैसे लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है तो सोचा कि एक बार निकल लेते हैं वहाँ पर जाके देख लेंगे। और फिर सोचा कि थोड़ा सा पानी पूरी खा लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है अचानक से। वो क्या है ना कि घर के बाहर एक पानी पूरी वाला आ गया था, उसके पास खा सकते थे लेकिन क्या है ना कि वो लोग मतलब इतने मज़ा नहीं आता, वो फ्लेवर वाली चाहिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो बस वही खाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, अब जा रहे पानी पूरी खाने, मिलते हैं वहीं पे। तो एक तो बोर बहुत हो रहा है आज पूरे दिन, पता नहीं क्या करें क्या नहीं। कल का शायद कोई प्लान है, शायद है, पक्का नहीं है, शायद बड़ौदा जाने वाले हैं, देखते हैं कुछ भी होता है तो आपको बताते हैं। सो थोड़ी देर लगेगी, यहाँ पर थोड़ी भीड़ है, मतलब लेडीज़ है, तो सोचा कि थोड़ी देर रुक लेते हैं उसके बाद जाएंगे हम आगे। इसका ना मज़ा ही कुछ और होता है, ये जो फ्लेवर वाली होती है ना पानी पूरी, अब आपने ट्राई किया होगा शायद, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे सौरभ एक और ये लास्ट, पता नहीं कितनी खाएगा। पानी भी पी जाएगा पूरा, ऐसा लग रहा है ख़त्म ही कर देगा। सो आगे ख़त्म कर लिया है, अब निकल रहे घर पे, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो शायद तो अब सिर्फ अगले वाले ब्लॉग में मिलते हैं। चलो बाय। और हाँ सॉरी, मैं हम लोग खाते हुए ज़्यादा नहीं दिखा सके क्योंकि क्या है ना, अगर हम लोग दिखाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे, वो दो ही हाथ में प्रॉब्लम होता है ना थोड़ा इसके लिए। सो चलो मिलते हैं बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। एक चीज़ तो कहना भूल ही गया, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।